20 सेकंड बीत गए हैं। सब ठीक लग रहा है, बल्कि पहले से बेहतर है। मैं हूं डॉक्टर पंकज, कोड नंबर 4227। मैं हमारे साथी के खून की रिसर्च की रिपोर्टिंग कर रहा हूं आरटीआर 001 के खून के सैंपल से। अब तक सब सही चल रहा है। 29 सेकंड से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। हमारे साथी का खून अब भी ओरिजिनल कंडीशन में ही है। ये अच्छा संकेत है कि तैयार किया हुआ खून अपने आप को ही टेस्ट करने वाले खून से आसानी से बचा सकता है। आरटीआर 001। अब 1 मिनट हो गया है। हम सफल रहे। ये क्या? क्या हमारे पास आरटीआर के खून को तबाह करने का कोई और तरीका नहीं है? एक इंसान की पहुंच से तुम बहुत दूर हो, और मैं ऐसा बहुत कम देखता हूं। क्यों? ये मत पूछो। ताकत को बचा के रखो, यह तुम्हारी जिंदगी बढ़ा सकती है। पंकज से बात करने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। लोग अपने लिए पार्टनर्स क्यों चुनते हैं? आंखें बंद कीजिए और इस सवाल के जवाब के बारे में सोचिए। हर एक इंसान का अपना अपना जवाब होगा। मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि हम उनसे अपनी कमी पूरी करते हैं और कुछ चीजों को खत्म करते हैं। लेकिन जो मैंने सोचा था और जो सच है वो एक दूसरे से बहुत अलग है। अब मैं एक एक्स पार्टनर हूं जिसे पीछे छोड़ दिया गया है, बिल्कुल किसी बेकार हिस्से की तरह। मुझे पुराने सॉफ्टवेयर की तरह बदल दिया गया। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। उसे एक नया पार्टनर मिल गया है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और उनका मकसद भी एक ही होगा। उसे कितना अच्छा पार्टनर मिला है ना। लेकिन मेरा क्या होगा? आज मौसम अच्छा है ना? हाँ, हाँ, लेकिन यहाँ इतने लोग नहीं है। डिपेंड करता है, फ्राइडे और वीकेंड्स पे भरा रहता है। अच्छा। हे सुनो, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा है। तुम यहाँ जिस वैम्पायर का पीछा कर रहे थे वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली है, तुम्हें और ज्यादा फिट होना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लू का क्या हुआ? तुमने जो बताया था उससे ऐसा लगता है कि अगर होलिया पता हो तो मैं उसका स्केच बना सकता हूँ, लेकिन असल में मुश्किल इसमें आ रही है। एक और शख्स गायब हुआ। इस बार जो शख्स गायब हुआ है वो एक एंटरटेनर है। हाँ, जो पर्सन गायब हुआ है उसका नाम है महेश। विटनेस का कहना है कि आखिरी बार उसने उसे एक स्टेशन पे देखा था और उसके बाद से ही मिस्टर महेश लापता है। आखिरकार इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये तो करण और कृष्णा है जो आजकल बहुत ही फेमस है। जब भी मैं टीवी खोलता हूँ ना, बस यही दोनों दिखते हैं। क्या वो भी वैम्पायर है? चलिए, हम आशा करते हैं मिस्टर महेश जहाँ हो ठीक हो। ये अच्छा है, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो आपसे विदा लेते हैं। मेरा नाम है कृष्णा। और मेरा नाम करण। हम दोनों भाई मिस्टर महेश के परिवार के साथ हैं। मुझे लगता है ये वैम्पायर हैं। ये दोनों टीवी पर पब्लिक के सामने आते हैं। ये दोनों जहाँ भी जाते हैं इन्हें संभल कर रहना पड़ता होगा। हमें भी होशियारी से ही काम लेना होगा, इसलिए मुझे लगता है कि इस काम को हमें एक महीने के बाद ही करना चाहिए। बहुत देर हो जाएगी। लेकिन ये जरूरी है। नॉर्मली इंसान अपना एक हफ्ता प्लान कर लेता है और दूसरे हफ्ते भी वो वही प्लान फॉलो करता है। मुझे लगता है हमें उनके एक हफ्ते का टाइम टेबल ढूंढ लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तभी हमें उन दोनों को पकड़ने का मौका मिलेगा। और वैसे भी वो दोनों ही बहुत होशियार हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान नहीं वैम्पायर हैं। और वैसे भी इंसान और वैम्पायर का टाइम टेबल अलग होता है, इसलिए हम इन दोनों को किसी आम इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एक महीने का समय मुझे लंबा लग रहा है। हमारे लिए एक हफ्ता काफ़ी होगा तैयार होने के लिए। तब तक मैं अपना अच्छी तरह से ध्यान रखूँगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल। वैसे भी मैं और सुजन तुम लोगों की सपोर्ट टीम है, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। ठीक है। पर पहले मुझे ऑफिस का काम निपटाना है। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं और मेरा भाई आपके साथ इस चैनल में ज़रूर काम करना चाहेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मौके के लिए। हाँ, हेलो। ठीक है फिर, मैं अपने शो के ज़रिए ये न्यूज़ दे देता हूँ कि मिस्टर महेश गायब हो चुके हैं। और हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारे संबंध अच्छे हों। तैयार हो? प्रेशर के लिए थोड़ा इंतजार करते हैं। तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोग साइको निकलोगे। छोड़ो मुझे। मिस्टर महेश, आप समझ नहीं रहे हैं, हम इंसान नहीं हैं। ये देखो। ये क्या बोल रहे हो? मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम दोनों तुम्हारे इस जीवन को इससे भी बेहतर बना देंगे। तुम हमेशा खून गिरा देते हो करण, लो साफ कर लो। इस बार भी तुम फेल हो गए। यस सर। तुम बुरा मत मानो कि सारे टेस्ट फेल हो गए। इस बार कुछ तो नया है, तुम कोशिश करते रहो। जी सर। जाओ तो और टेस्ट करो, ज्यादा संख्या में, लेकिन इसे कंप्लीट करो। हमारी जिंदगी भी अनलिमिटेड है, लेकिन मेरे पेशेंट्स की जिंदगी, उनकी एक लिमिट है। समझ गए तुम? जी हाँ सर। जाओ और काम करो। ओके सर, मौका देने के लिए शुक्रिया। तुम अभी तक जिंदा हो। कहाँ है तुम्हारा वो ऑफर? ये क्या कर रहे हो? अगर तुम मेरी टीम में आ जाओ तो मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दूंगा। ये खो गए हैं। सच में? हाँ। आजकल लोग लापता लोगों की बातें कर रहे हैं और ये हमारा काम नहीं है। हो सकता है ये किसी वैम्पायर का काम होगा या फिर किसी बुरे इंसान का। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे लगता है तुम अपनी बहन को लेकर बहुत फिक्र कर रही हो। हम अपने प्लान को थोड़ा और समय दे सकते हैं। इसे 1 महीने बाद करते हैं, उनके बारे में और पता करते हैं। हम पूरे 1 हफ्ते से उन पर नज़र रख रहे हैं। हमने उनके टाइम टेबल से एक मौका ढूंढा है और मुझे लगता है इतना टाइम काफ़ी होगा। देखो मुझे ये लगता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। समझ नहीं आता तुम्हें आजकल क्या हो गया है। चलो ठीक है, आज तुम्हें मुझे ये सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तुम्हारे और उसके बीच में कुछ चल रहा है। क्या मतलब? जैसे तुम लोग रिलेशनशिप में हो। अगर कुछ चल भी रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे ये सब सच बता दो तो हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा हुआ, सिर्फ दोस्त हैं। शुक्रिया। इसमें मीट नहीं है। पर मैंने तुम्हें सिर्फ वेज खाते हुए देखा है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें बहुत ऑब्जर्व किया है। अच्छा, ये लो। शुक्रिया। आज श्रेया ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा। क्या पूछा उसने? कि हमारे बीच कुछ चल रहा है क्या? रुको, तुमने उससे क्या कहा? मैंने उसे सच्चाई बता दी कि हम सिर्फ दोस्त हैं। अरे, मेरा मीट वापस करो। हमारे पास और समय नहीं है। तुम दोनों को जल्दी से 1 घंटे में यहाँ पहुँचना होगा। पहले मुझे तैयार होना होगा। हम जल्दी मिलते हैं। बस 1 घंटे में। तुम्हें यकीन है कि वो लोग पक्का हमें यहीं पर मिलेंगे? मैंने ब्रॉडकास्ट टाइम चेक किया था। अंदर जाने का रास्ता मिल गया सा। रुक जाओ, तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। देखो, सच कहूं तो मैं उतना श्योर नहीं हूं। मैं फिर से प्लान बताती हूँ। हमें सब 1 घंटे में ही खत्म करना होगा, सिर्फ 1 घंटे में। नहीं, रुक जाओ। मुझे लगता है कि ये बहुत रिस्की है, हमें वापस चलना चाहिए। तुम्हें हो क्या गया है? डर लग रहा है तो जा सकते हो। ये रूम क्लियर है, सब ठीक है। मुझे खून की खुशबू आ रही है। ये कमरा। Hey! अभी सारी पार्टियों ने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और साथ में इस देश के टॉप बिजनेसमैन भी अपना इरादा नहीं बदलने वाले। हम इन सब का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके ऊपर तक जा सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट्स ने भी दखलंदाजी करना शुरू कर दिया है। वो सन की लोग सीसी कॉर्पोरेशन पॉलिसी के लिए सहमत नहीं हो रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये हाँ ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारे साथ सहमत जरूर होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उन्हें ऐसा ऑफर दे कि वो कभी मरेंगे नहीं तो वो मान जाएंगे। मुझे शिल्पा के बारे में कुछ बताओ। मैंने सुना है कि शिल्पा हमारे काम में टांग अड़ा रही है। हाँ सर, वो वैम्पायर्स को मारकर लगातार खून पी रही है क्योंकि उसके पास यही एक तरीका है कि वो अपनी बहन रानी को इसके ही जरिए ढूंढ पाए। हाल ही में जिनकी मौत हुई वो हमारी लैब में काम करते थे। रानी लैब से भाग कर जाए उससे पहले हमें किसी न किसी को तो भेजना ही होगा ताकि हम शिल्पा को मार सकें। जरूरत नहीं है, उसे अपनी बहन को ढूंढते रहने दो और जब वो दोनों मिल जाएंगे तो दोनों को हम एक साथ मार देंगे। क्या शिल्पा पर नजर रखने के लिए मैं अपने किसी खास शख्स को भेजूं? देखिए मिस्टर बलवंत, आपको यह करने की जरूरत नहीं। मैंने अपना अच्छा आदमी पहले से रखा है। ये खून पीने का सही तरीका है। तुमने उस प्रोड्यूसर की बातें सुनी क्या कि हम मिस्टर महेश से भी अच्छे हैं, हमारी रेटिंग अच्छी है। हाँ मैंने सुना। मैं ड्रिंक पीने की सोच रहा हूँ, क्लासेस लेकर आता हूँ। ठीक है। तुम्हारा भाई कहाँ है? शिल्पा, ठीक हो सुजन? हाँ? सुजन! सुजन, कबीर, तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। ठीक है, संभाल के रहना। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, आप बाहर जाइए। रुक जाओ। हाँ, मेरे दोस्त के साथ क्या कर रहे हो? वो सब हम पे छोड़ दीजिए, आप बाहर जाइए प्लीज। खोलो, मेरी मदद करो सर। नहीं, मुझे जाने दो सर, बचाओ मुझे। नहीं, मुझे जाने दो, आप बचाओ मुझे, बचाओ सर, जल्दी आओ। बचाओ मुझे। आप ये नहीं कर सकते, आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? आप इन्हें ऐसे नहीं लेके जा सकते। सुनिए मिस्टर कबीर, तुम कहाँ जा रहे हो? मिस्टर धनराज, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी दोस्त को यहां से लेके नहीं जाता। मिस्टर कबीर, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। माफी चाहूंगा मिस्टर धनराज, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। अपने दोस्त को मुझे यहां से निकालना होगा। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वो कहाँ चला गया? उसे मैंने मार दिया। खूबसूरत है ना? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम इतनी बार शुक्रिया क्यों बोलती हो? ऐसा है तो माफ ही कर दो। पर किस बात के लिए? तुम हमेशा कहते हो कि मैं संभल कर रहूं, ध्यान से काम करूं, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं सुनती। उसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी तुम जिंदा हो तो सब ठीक है। दरअसल मुझे किसी और से ज्यादा तुम पर भरोसा करना चाहिए। इस काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि उसका नाम शिल्पा है। पहली बात, मुझे नहीं पता कि पुलिस ने कितनी इन्वेस्टिगेशन की है। मैंने उन पर नजर रखने के लिए विपाशा को रखा है ताकि वह मुझसे दूर रहे, लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने शिल्पा के साथ मिलकर एक नई टीम बना ली। दूसरी बात, क्योंकि वो शिल्पा है, मैं चाहता हूं कि तुम शिल्पा पर अपनी पैनी नजर बनाए रखो। अगर वो अपनी बहन तक पहुंच जाए तो मुझे बताना। तो विपाशा, तुम पुलिस वालों को देखो, तुम दोनों को एक साथ मिलकर यह काम करना ही होगा। मैं ज्यादा ही जख्मी हो गई हूं। इसमें मेरी भी गलती है। तो मैं पहले की तरह सिर्फ अमन के साथ काम करूंगी और किसी के साथ नहीं। इस प्लान के फेल होने के पीछे मैं अपनी गलती मानता हूं। आई एम सॉरी। वैसे इतना बुरा भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम जिंदा हैं। देखो, हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम अपनी बहन को ढूंढो और मैं अपनी मॉम के मर्डरर को। ओह, और हाँ, मैंने धनराज के हॉस्पिटल में कुछ अजीब चीज देखी थी। मैं उसे भी इन्वेस्टिगेट करूंगा। अगर मदद की जरूरत हो तो बताना। मुझे नहीं लगता कि यहां पर खाने के लिए कुछ होगा। क्या तुम्हें सच में भूख लगी है? मुझे भूख लगी है। ओके, मैं जाके देखता हूँ कुछ खाने के लिए। चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ, ओके। मैंने शिल्पा के बारे में बहुत सुना है। मैं उसे और जिंदा नहीं देख सकती। तुम उसे मार सकते हो ना? अगर तुमने यह दोबारा कहा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम मर जाओगी। अच्छा, तुम कोशिश कर सकते हो। पार्टनर बनने के पहले ही दिन बहुत मजा आया। लोग अपने लिए पार्टनर क्यों चुनते हैं? ताकि कुछ चीजें आसान हो, ताकि जो हमें पसंद हो वो हम शेयर कर सकें, एक दूसरे की देखभाल कर सकें, कुछ जरूरी सवाल पूछ सकें और उनके जवाब भी ढूंढ सकें, ताकि बुरे समय में भी हम अकेले ना रह जाएं, ताकि हमारे अंदर जो कमियां हैं हम उन्हें अपना सकें। मेरी थी खुशी, मेरा था जहां।